चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सम चतुर्भुज रोम्बस। देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, रेक्टेंगल, आयत और स्क्वायर यानी वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं, और ये सारे कोण जो है एक समान होते हैं 90 डिग्री के, तो उसको बोलते हैं हम वर्ग। अब अगर जवान आदमी को बूढ़ा कर दिया जाए यानी बुढ़ापे की अवस्था में उसकी कमर झुक जाती है, अब इस वर्ग की अगर हम कमर झुका दें किस तरीके से झुक गया, तो जब कमर झुक गई तो अब ये वर्ग नहीं रहा, इसके सारे कोण जो है अलग अलग हो गए, तो अब ये क्या बन गया, सम समचतुर्भुज। अब देखिए समचतुर्भुज के अपने कुछ पहचान होती हैं। इसमें क्या है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में भी सारी भुजाएं बराबर थी, इसमें भी सारी भुजाएं बराबर होंगी। अगर एक भुजा ए है तो सारी भुजा क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। अब देखिए ये जो कोण है, कौन सा वाला, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये कोण एक्स है तो ये कोण भी एक्स हो जाएगा, और ये कोण अगर वाई है तो ये वाला कोण भी वाई हो जाएगा, और एक्स और वाई का योग हमेशा कितना होगा, कोण एक्स और कोण वाई इसका योग हमेशा 180 डिग्री होगा, ये याद रखनी है बात, ठीक। देखिए इसमें दो विकर्ण होते हैं, ये दो विकर्ण जो होते हैं D1 और D2, इसका मतलब यह है ये दोनों अलग अलग लंबाई के होते हैं, किसके होते हैं, अलग अलग लंबाई के, इनकी अलग अलग लेंथ होती है। यहां पर ये जिस जगह काटते हैं, कोई बिंदु मान लिया हमने O बिंदु, जहां पर ये काटते हैं यहां हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, सब तरफ चारों तरफ 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, त्रिभुज में हमने क्या पढ़ा है, समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का बन जाता है तो वो कौन सा कोण बन जाता है, समकोण। रोम्बस में सम चतुर्भुज में सम चतुर्भुज बराबर चार समकोण, आप इसको इस तरीके से कह सकते हो। अच्छा समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है। और जहां पर ये जो डिवाइड करते हैं, ये विकर्ण जहां पर आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तो ये विकर्ण भी जो है आधे आधे हो जाते हैं, किस तरीके से, ये जहां पर जिस बिंदु पर ये काट रहे हैं, मान लीजिए बिंदु O है, तो ये अगर ये वाला विकर्ण जो है ये D1 है, तो यहां से यहां तक, कहां तक, ये विकर्ण यहां से लेकर और यहां तक, ये कितना हो जाएगा D1/2, अगर ये D1 है तो ये भी D1/2, यानी इस बिंदु से यहां तक ये आधा आधा विकर्ण हो जाएगा, इस विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ऐसे ही ये वाला विकर्ण अगर D2 है तो ये भी जो है D2 का आधा हो जाएगा, कहां तक, इस पॉइंट तक यहां से। तो अगर हम यहां पर इसको लगाएं, इस वाले इस एरिया के लिए, इस वाले एरिया के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2, आधार देखिए आधार कितना हो जाएगा आपका, ये सामने वाली भुजा जो कर्ण है, क्योंकि ये डिग्री, ये कोण कितना है 90 डिग्री, तो आधार कितना हो जाएगा इसका, D1/2 गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, D2/2, ये एक समकोण त्रिभुज का जो है एरिया निकल के आ जाएगा। अब हमने बताया आपको एक समकोण सम चतुर्भुज बराबर क्या होता है, चार समकोण, चार समकोण का मतलब यह है कि अगर हम इसमें चार से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 × 2 = 4 से ये 4 चला गया, क्या बचा, 1/2 गुणा D1 गुणा D2, यानी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपका फार्मूला बन गया, किस तरीके से, याद नहीं रखना कहां से बना है,
अगर हम समचतुर्भुज को इसके विकर्णों से काट रहे हैं तो उसमें चार समकोण त्रिभुज बनते हैं, और अगर हम एक समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल देंगे और उसको चार से गुणा कर देंगे तो हमारे पास किसका एरिया निकल कर आ जाएगा, रोम्बस का एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये पहली बात है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक बटे दो गुणा डी वन गुणा डी टू। अगर इसकी भुजा के बारे में बात करें, देखिए भुजा एक बटे दो इंटू डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर, ठीक है, एक बटे दो इंटू रूट वैल्यू में डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर। अब देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये रूट वैल्यू हटाएंगे और ये दो भाग में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चार ए स्क्वायर बराबर डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर। ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है। ठीक, इससे आगे देखिए, देखिए अगर हम यहां से यहां की दूरी डाल रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। ये क्या है, हाइट। इस वाले बिंदु से, इस वाले कोने से, इस वाली आधार पर अगर हमने ये रेखा खींची तो ये क्या बन गया, लंब। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइट। तो अगर प्रश्न में आपके हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है और ये भुजा की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि भुजा तो बराबर है इसमें, तो एरिया आपका क्या बन जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, या फिर आपसे लंब पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा रोम्बस की, तब आपको एरिया की वैल्यू दे रखी होगी और आधार की वैल्यू पुट करके जो है हम क्वेश्चन हल कर लेंगे। कितने फॉर्मूले बताए हमने, एक एरिया का फॉर्मूला ये हो गया, एक एरिया का फॉर्मूला ये हो गया, ये भुजा के लिए हो गया, और एक पैरामीटर के लिए हमें किसी भी फिगर के लिए याद रखने की जरूरत नहीं होती है। जितनी भी भुजाएं होती हैं परिमाप के लिए, जितनी भी भुजाएं होती हैं उनका हम योग कर देते हैं। देखिए कितनी भुजाएं दिखाई दे रही हैं, एक दो तीन चार, तो चार इंटू ए क्या बन गया, फोर ए। तो पैरामीटर के लिए स्पेशल आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत होती नहीं है, बस ये है इसका कॉन्सेप्ट। अगर हम सम चतुर्भुज को पढ़ रहे हैं तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप बहुत आसानी से बना लोगे। चलिए इसको लिखिए, चलिए पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 60 वर्ग सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसके अन्य विकर्ण की लंबाई पूछी है, यानी एरिया दे रखा है। एरिया का फार्मूला हमने क्या बताया, एक बटे दो गुणा डी वन गुणा डी टू। अब देखिए डी वन कितनी दे रखी है वैल्यू, एक विकर्ण दे रखा है, कितना डी वन हमने देख दिया, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और एरिया कितना दे रखा है 60 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए एरिया की वैल्यू हमने पुट कर दी 60, एक बटे दो, डी वन की वैल्यू पुट कर दी 8 और डी टू की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा, दो चौक 8 और 4 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 15, तो डी टू बराबर कितना आ गया, यानी दूसरे विकर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, चौथा वाला ऑप्शन। कब हो पाएगा क्वेश्चन ये, यदि आपको एरिया का फार्मूला पता होगा कि एक बटे दो गुणा डी वन गुणा डी टू, जहां पर डी वन क्या है, विकर्ण पहला वाला और दूसरा विकर्ण। देखिए रोम्बस में जो दो विकर्ण होते हैं दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है, ये याद रखना है, डी वन और डी टू अलग अलग लंबाई के होते हैं, अपोजिट वालों की सेम होती है क्या, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है, यदि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, भुजा मतलब कितना है, ए कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए क्षेत्रफल के लिए हमें फार्मूला पता है क्या, एरिया बराबर क्या होता है, एक बटे दो इंटू डी वन गुणा डी टू, ये एरिया का फार्मूला होता है। लेकिन उससे पहले एक बात ये देखिए कि जो है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है, अगर हमने d1 की वैल्यू
डी वन की वैल्यू डी मान ली तो डी टू की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, टू डी। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है, ठीक है। देखिए भुजा के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, फोर ए स्क्वायर बराबर डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर। डी वन की वैल्यू कितनी है डी, और डी टू की वैल्यू कितनी है टू डी। इनका हमने वर्ग कर दिया। देखिए ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो गुणा 10 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 4 गुणा 10 गुणा 10, ये कितना हो गया डी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 डी स्क्वायर। कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 4 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 5 डी स्क्वायर। 5 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 2, 10 दूनी 20 चौक 80, डी स्क्वायर की वैल्यू 80 आ गई, ठीक है। अब देखिए डी स्क्वायर की वैल्यू 80 आई है। अब अगर हम यहां से वैल्यू निकालें, एरिया आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या वैल्यू रखेंगे, यहां पर इसकी जो हमने वैल्यू रख रखी है डी वन और डी टू की वैल्यू यहां रख देंगे। देखिए एक बटे दो इंटू डी वन की वैल्यू कितनी है डी, और डी टू की वैल्यू कितनी है टू डी। इस दो से ये दो चला गया, ये क्या आ गया डी स्क्वायर। देखिए हमारे हिसाब से इसका एरिया इस फॉर्मूले से क्या निकल कर आया है डी स्क्वायर, लेकिन डी स्क्वायर का मान जो हमने निकाला है वो हमने डी स्क्वायर का मान कितना निकाला है 80। तो देखिए यहां पर थोड़ी सी एक लॉन्ग प्रोसेस थी, क्या थी कि सबसे पहले हमने जो भुजा जो विकर्ण के लिए कह रहा था कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है वो वैल्यू कर ली, इसके बाद फोर ए स्क्वायर से डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू के स्क्वायर से हमने यहाँ पर डी स्क्वायर का मान निकाल लिया। ये डी स्क्वायर का मान जो आया है ये क्या आया है, ये एरिया आया है जहां पर हमने डी वन और डी टू की वैल्यू जो है डी और टू डी रखी थी, तो इस डी स्क्वायर का मान हमने यहां से इस तरीके से निकाला। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। आपको एक तरफ से सारी वैरायटी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है, क्या परिमाप। परिमाप कितना होता है 4a होता है, ये कितना है 240, तो भुजा कितनी निकल कर आ गई इसकी 240 डिवाइडेड बाई 4, कितनी आ गई 60 आ गई, 60 सेंटीमीटर। अभी कह रहे हैं किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, समांतर भुजा देखिए ये समांतर भुजा है, ये दोनों की समांतर भुजा और ये आपस में समांतर भुजा, ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी दे रखी है 20 मीटर है, यानी ये दूरी कितनी दे रखी है 20 मीटर। अच्छा ये भी मीटर में ही था, ठीक। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए हमने बताया था यदि आपके प्रश्न में हाइट दे रखी है, किसका, अगर आपकी ये हाइट दे रखी है ये वाली, यदि समचतुर्भुज में हाइट दे रखी है, कौन सी, ये हाइट दे रखी है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला लगा देंगे, आधार गुणा ऊंचाई, बस इतना सा काम। आधार कितना है, देखिए ये सब आधार ही है, आधार का मतलब भुजा, आधार कितना दे रखा है, आधार जो है हमारा ये निकल के आया था 60, और ऊंचाई प्रश्न में दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है 20, कितना हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर। यदि प्रश्न में दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी जो है उसकी हाइट दे रखी है, इसको क्या बोलेंगे, इस दूरी को हाइट बोलेंगे, ये दे रखी है और आपने भुजा निकाल ली है, तो समांतर किसका, समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए केवल आपको उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, आधार का मतलब भुजा की और हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा निकल के, बस इतना काम करना, ठीक है।
किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यानी D1 की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इस समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। ठीक है, परिमाप हम कब निकाल सकते हैं? परिमाप हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास भुजा हो, और भुजा के लिए क्या बताया हमने, भुजा कैसे निकालते हैं, साइड कैसे निकालते हैं, यानी 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये भुजा निकालते हैं इस तरीके से। देखिए कितना आ जाएगी वैल्यू, 1/2 D1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 24 का स्क्वायर कितना हो गया, और ये 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, कितनी वैल्यू निकल कर आ गई 676, और 676 कितनी की स्क्वायर रूट वैल्यू होती है 26 की, यानी साइड आपकी भुजा कितनी निकल कर आ गई 13 सेंटीमीटर, भुजा 13 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, परिमाप, और परिमाप के लिए आपको क्या करना होता है, परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, भुजा कितनी है 52 सेंटीमीटर, एक समचतुर्भुज एबीसीडी में कोण सीएबी का मान माप जो है वो 35 डिग्री है, कोण एबीसी की माप क्या होगी। देखिए क्या है, ए बी सी डी, ठीक है ए बी सी डी बन गए। अभी इसमें कह रहे हैं कोण सी ए बी की माप, सी ए बी, सी ए बी यानी ये क्या है 35 डिग्री, ठीक। तो कोण ए बी सी यानी ए बी और सी, ये वाला कोण, ये बताना है। देखो पहले तो एक चीज समझो कि ये जो लिखा है सी ए बी, सी ए बी कोण, सी ए बी का मतलब यह है जो बीच में जो अल्फाबेट्स है ये कोण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ये वाले कोण के बारे में बात कर रहा है। अब पूछा क्या है ए बी सी, कोण ए बी सी यानी बीच वाला, जो बीच में आता है ये कोण बनता है, तो इस कोण के बारे में पूछ रहा है ये वाला कोण क्या होगा। अभी देखिए हमने पीछे जो पढ़ा था, यहां पर क्या होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, अगर हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ऐसे लिख लेते हैं तो त्रिभुज के तीनों का कोणों का योग कितना होता है 180। अब देखिए मान लीजिए ये वाला कोण इस कोण के सामने होगा, हमने बताया था कॉन्सेप्ट में, अगर ये पूरा कोण एक्स है तो ये पूरा कोण एक्स हो गया, तो ये 35 है तो ये वाला कोण इतना कोण कितना होगा ये 35 हो गया। अब हम बात करें इस वाले त्रिभुज के बारे में, कौन से वाले, इस वाले त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब दो कोण हमें पता चल गए, एक कोण 35 डिग्री दूसरा कोण भी 35 डिग्री, अब तीसरे कोण के बारे में बात कर रहे हैं तो टोटल योग कितना हो गया 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 180 में से इसको घटा देंगे तो कोण सी का मान कितना जाएगा 180 में से 70 घटाए तो 110 डिग्री, चौथा वाला ऑप्शन। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यहां ये 35 डिग्री है तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये 35 डिग्री आ गया। अब ये पूछ रहा है क्या तीनों कोणों का योग 180 में से ये वाली वैल्यू जोड़कर घटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 7 और 24 सेंटीमीटर है, इसके परिमाप की लंबाई ज्ञात करो। देखिए D1 कितना है 7 सेंटीमीटर और D2 कितना है 24 सेंटीमीटर, भुजा यानी साइड हम निकालेंगे यहां से तो 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, साइड कितनी निकल के आ जाएगी, D1 वैल्यू कितनी दे रखी है 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, ठीक है कितना निकल जाएगा ये
सात का वर्ग कितना हो गया 49 और 24 का वर्ग कितना हो गया 576 और इसको हमने जोड़ लिया तो कितना आ जाएगा 625 और 625 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू होती है 25 की। ठीक है, ये हमारी क्या निकल कर आ गई, ये हमारी साइड निकल कर आ गई बस अभी। हाँ, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, दशमलव में भी लेकर आ सकते हैं, अभी हाँ इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, इसका परिमाप बताओ। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप, परिमाप का मतलब 4 × भुजा, और भुजा हमारे पास कितनी निकल कर आ गई 1/2 × 25, तो कितना कर देंगे 4 × 1/2 × 25, 2 से ये 2 4 जाएगा, 25 × 50 cm, ऑप्शन चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, एरिया पूछा है, जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखो इसको फिगर से समझते हैं, ठीक है, चारों भुजाएं ये बराबर है, ठीक, कितनी हो गई भुजा, ये भी 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, और ये भी 10 हो गई, और ये भी 10 हो गई। क्या कह रहा है, छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। देखिए छोटा विकर्ण ये वाला, ये कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ये बड़ा विकर्ण हो गया, हमसे एरिया पूछा है, एरिया हम कब निकाल सकते हैं, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 × d1 और d2। अब एक विकर्ण तो हमारे पास दे रखा है, दूसरे विकर्ण का मान हमसे पूछ रहा है, तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे। अब ये देखो, ये कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, और जहां पर ये दोनों विकर्ण मिलते हैं आपस में, वहां सर क्या, वहां पर क्या होता है, विकर्ण ठीक आधे आधे हो जाते हैं। इस विकर्ण की लंबाई प्रश्न में कितनी दे रखी है, 12, ये वाले विकर्ण की लंबाई 12 है, तो यहां पर जो बीच पॉइंट में मिले हैं, तो यहां से लेकर और यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 6। 90 डिग्री का कोण है, यानी समकोण है, समकोण में एक भुजा यानी ये वाली भुजा कौन सी बनती है, ये होती है कर्ण, और क्योंकि 90 डिग्री जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो सम, वो कर्ण होगी, और एक भुजा आधार और एक भुजा लंब। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए 10 का वर्ग में से ये लंब 6 का वर्ग हो गया, और ये आधार की वैल्यू यहां से अगर हम निकालेंगे, ये वाले आधार के बारे में बात कर रहा है, इसके लिए कितना हो जाएगा 10 का वर्ग 100 और 6 का वर्ग 36, यहां पर हमने घटा दिया, तो आधार का वर्ग ये कितना हो जाएगा 64, और 64 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू होगी 8 की, यानी आधार कितना आ गया 8 आ गया, यानी ये वाली वैल्यू यहां से लेकर और यहां तक ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 8, ये 8 आ गई, तो आगे की भी तो 8 होगी, जैसे ये 6 थी तो यहां पर ये इतनी यहां से यहां तक कितनी हो गई 6, यानी ये पूरा विकर्ण कितना हो गया 8 और 8 16, और ये वाला पूरा विकर्ण दे रखा है कितना 12, 1/2 × 16 और × 12, 16 × 96 वर्ग सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब एक बात और समझो, ये कौन सा त्रिभुज बन गया हमारा, समकोण त्रिभुज। अगर हम इस त्रिभुज के लिए एरिया निकालें, कौन सा समकोण त्रिभुज के लिए एरिया क्या फार्मूला होता है, 1/2 × आधार × ऊंचाई, ठीक है, कितना हो गया 1/2, आधार कितना हो गया 8, यानी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो 8 × 6, 2 × 8 और 6 × 4 कितना आ गया 24,
ये जो त्रिभुज निकल कर आया इसका एरिया कितना निकल कर आ गया? 24। अब इसको चार, क्योंकि एक भाग, दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, चार भागों में डिवाइड हो गया, तो हम यहां पर इसे चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 चौक 96, जो भी यूनिट दे रखी होगी, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर और मीटर तो वर्ग मीटर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और सीधे यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, परिमाप यानी 4a, और 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? भुजा कितनी आ गई? 20। उसके एक विकर्ण का मान 24 है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? निकालिए। देखिए, एक विकर्ण का मान ये कितना है? 24। तो पूछा क्या है? क्षेत्रफल। देखिए, अगर हम इसको यहां पर एक दूसरा विकर्ण भी डाल दें, ठीक, कौन सा वाला? ये विकर्ण। तो यहां पर जो मध्य बिंदु पर काटा है, यहां पर एक विकर्ण की लंबाई जो 24 थी, अब वो कितनी कितनी रह गई? 12 12। और ये कोण कितना बन गया? 90 डिग्री का। अब फार्मूला क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। पिछले वाले सवाल में बताया था कितना हो जाएगा। ये भुजा कितनी दे रखी है? 20। ये सारी की सारी भुजाएं जो है समान होंगी इसमें। देखिए कितनी हो जाएगी इस 20, ये क्या भुजा बनती है? कर्ण। चारों तरफ वाली भुजाएं क्या बन जाती है? कर्ण। कर्ण पर बना वर्ग यानी 20 का वर्ग बराबर लंब 12 का वर्ग और आधार की वैल्यू जो है हमसे निकलवाएगा। 20 का वर्ग 400 और ये 12 का वर्ग इधर आके माइनस में हो जाएगा 144 और ये आधार का वर्ग। रूट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 में से 144 जाएगा तो 256 आधार का वर्ग। 256 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू होती है? 16 की। यानी आधार जो निकलकर आ गया वो कितना आ गया? 16। देखिए ये वाली वैल्यू, ये 16 आ गई, यहां से यहां तक ये दूरी कितनी हो गई? 16। तो ये आगे भी कितनी हो जाएगी? 16। भाई ये 16 तो ये भी 16 हो गई। आपसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया के लिए क्या फार्मूला होगा? 1/2 × d1 × d2। d1 की वैल्यू कितनी है? 1 दे रखी है, कितनी? 24। और दूसरी निकल कर कितनी आ गई? 16 और 16 32। 12 × 2 = 24 और 12 × 3 = 36 और 2 = 38 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन तीसरा, सी। पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लग रही है। आप ये इसका एरिया निकाल देते, कैसे निकालते? शॉर्ट में देखिए अगर किस तरीके से करते। 1/2 × आधार कितना हो जाता? 16 और 12। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 × 12 16 × 96 और 96 को 4 गुना कर दो, 96 को 4 गुना, क्योंकि इस एक त्रिभुज का एरिया निकल कर आ गया कितना? 96। इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × 24 और हासिल हो गया 2 9 × 36 और 2 = 38। ठीक, बनाइए। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। वैल्यू किस किस की दे रखी है? d1 कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर और d2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का परिमाप बताओ। देखिए परिमाप तो हम तब निकालेंगे जब हमारे पास भुजा होगी, और भुजा निकालने के लिए क्या है? 1/2 × d1² + d2² कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से निकल के? d1 का स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256 और 30 का वर्ग कितना हो गया? 900। कितना हो गया? 1156। 1156 जो है एग्जैक्ट रूट वैल्यू निकल कर नहीं आएगी, दशमलव में आएगी, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं साइड के रूप में कि कितनी भुजा निकल कर आ गई? ये वाली। ठीक, अब आगे कह रहे हैं भुजा निकल के आ गई, परिमाप के लिए क्या करना है? बस इसमें 4 से गुणा कर देना है, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो 4 × 1/2 और × ये 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 2।
ये आपका आंसर हो गया। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा एक चीज समझो, इसको हल करने से पहले ये समझो, जैसे ये लिखा हुआ है 2 गुणा 2, ठीक है, तो अगर हम इसको रूट से बाहर करेंगे तो क्या करेंगे, 2, यानी जितने रूट में अंदर जो वैल्यू होती है बाहर आ गया। यहां पर जैसे 2 गुणा 2 लिखा है तो सिंगल डिजिट में बाहर आ गया, ऐसे ही अगर ये 2 हम अंदर लेके जाएंगे रूट में तो अंदर कितना लिखेंगे, 1156 गुणा 4, कितना हो जाएगा ये, 4 6 24 का 4 हासिल 2 और 4 5 20 और 2 22 हासिल 2, 4 1 4 और 2 6 और 4 4624। और जो 4624 जो स्क्वायर रूट वैल्यू होती है वो किसकी हो जाएगी, 68 की। ये स्क्वायर रूट जो हमने आपको निकालने की, स्क्वायर रूट जो हमने आपको निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक बता रखी है, ठीक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, कितना है परिमाप, यानी 4a कितना है, 20 है, तो भुजा कितनी निकल के आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई भुजा निकलकर। इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछिए। अब यहां पे फिगर बना लेंगे, फिगर बनाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछिए, जहां पर ये कट करते हैं तो जो 6 सेंटीमीटर वाली लंबाई है वो 2 भागों में बट गई, 3 3 में, ठीक है, और ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का, और भुजा कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखिए यहां पर कौन से प्रमेय लग जाएगी, फिर से देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगी ये वाली भुजा निकालने के लिए, यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। ये x की वैल्यू यहां से निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 माइनस मार के इधर हो जाएगा, x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 16, और x कितना हो जाएगा, 16 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है, 4 की, ये वैल्यू कितनी आ गई, 4, ये 4 आ गई तो ये भी 4 हो जाएगी, यानी यहां से यहां तक की दूरी 4 और यहां से यहां तक की दूरी ये भी 4 हो गई। आपसे दूसरा विकर्ण पूछा है तो 4 और 4 को आपने जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप यानी 4a, चारों भुजाओं का योग कितना है, 40 है, तो भुजा कितनी निकल के आ गई, 10 आ गई। एक विकर्ण कितना दे रखा है, 16, ये 16 दे रखा है, यहां से दूसरा विकर्ण डाल दिया तो जैसे 16 था वो 2 भागों में बट गया, 8 और 8 में, कितने डिग्री का कोण बन गया, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन गया। ये भाग अगर हम यहां से यहां तक की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें उतना ही भाग आगे का पता चल जाएगा, और फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे। क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला बताया हमने, 1/2 × d1 × d2, कितना हो जाएगा, भुजा कितनी हो गई, ये 10 हो गई, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये 10 हो गई। अब पाइथागोरस प्रमेय हम यहां लगाएंगे, क्या होती है जरा एक बार बता दो फिर से, कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग, कर्ण कितना है, 10 का वर्ग, और लंब कितना हो गया, 8 का वर्ग, और आधार का वर्ग आपसे जो है यहां पर निकलवा रहा है, 10 का वर्ग 100 और माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 बराबर आधार का वर्ग, कितना हो गया ये, 36, 36 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है, कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू, 36, 6 की, यानी आधार कितना निकल कर आ गया, ये वाली वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6, तो ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक की ये भी कितनी हो गई, 6, यानी D2 कितना निकल के आ गया, 6 आ गया,
एक विकर्ण का मान कितना दे रखा है 16, B1 का मान कितना दे रखा है 16, बस रख देंगे 1/2 × 16 इंटू, देखिए D2 का मान कितना हो जाएगा 6 + 6, क्योंकि 6 वैल्यू निकल के आई है, हाफ वैल्यू निकल के आती है, तो कितना हो जाएगा ये 12, 16 × 96 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें करोगे। चलिए, ये आपका जो है ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपको करके लाना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था सम चतुर्भुज वो कंप्लीट हो गया। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा एक बार समराइज्ड कर लेते हैं कि इसका एरिया क्या होता है, 1/2 × दोनों विकर्णों का गुणनफल। अगर हाइट दे रखी हो तो एरिया क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। पैरामीटर कितना होगा 4a, और भुजा कितनी हो जाएगी 1/2, और रूट वैल्यू में दोनों विकर्णों का वर्ग, यानी D1 का वर्ग और D2 का वर्ग। बस इतनी चार बात अगर आपने याद रख ली तो यहां से क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स में उड़ा देंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।